brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. तो मैं ऐसा नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही वाली प्रवृत्ति का मैं विरोधी हूं। ये तो तानाशाही क्या इसी बार है जब भगत राम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले तानाशाही नहीं थी? नहीं, इससे पहले भी तानाशाही थी। जैसे एक बैग नोटबंदी करना, नोटबंदी करने के बाद में उसका दुष्परिणाम सामने आया। इस बार सवाल जो है कुछ मुद्दों का है, बेरोजगारी का है, छुट्टा जानवरों की समस्या का है, सिलेंडर जो हमको 400 रुपये में कांग्रेस सरकार में मिलता था वो सिलेंडर इस समय हमको 1000 रुपये में मिल रहा है। मोदी जी चुनाव आ गया तो उन्होंने 200 रुपये की सब्सिडी दे दी, अगर चुनाव नहीं आया होता तो वो भी नहीं, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया है। आपकी नाराजगी मोदी जी से खासा है, इसलिए मोदी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। सामने देखिए, मोदी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। मैं भी सन 89 में राम मंदिर आंदोलन में जेल गया था और मैं 16 दिन जेल में रहा और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने काम भी किया है और आज भी मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मुझको लगता है कि इस बार इस चुनाव के बाद लेकिन देश पर तानाशाही आने वाली। लेकिन इस आशीर्वाद तो आपने कर्ण भूषण को दिया है जीतने का, वो समर्थन भगत राम मिश्रा को। मैं एक ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है, तो मैंने आशीर्वाद तो जरूर दिया है, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश का पांचवें चरण का मतदान बेहद रोचक दौर में है। आज हम बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके में हैं। ये कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र है और कैसरगंज जैसा आप जानते हैं इस समय देश की सियासत में सबसे हॉट सीट है। अब आज हॉट सीट है तो नब्ज टटोलना जरूरी है कि अगर हॉट है तो हॉट है क्यों। इस समय हम अपनी चुनावी इस यात्रा में चलते चलते पहुँचे हैं एक दिकोलिया गांव है। दिकोलिया गांव ये कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र का, कैसरगंज का जो हेडक्वार्टर है उससे महज 3-4 किलोमीटर दूरी पर है। ये एक अधिवक्ता का घर है मेरे बगल में, मैं बोलूं उससे आपसे ही खुद परिचय ले लेता हूं। हम चुनावी बात करेंगे, तमाम मुद्दों की बात करेंगे। अधिवक्ता हैं, जानकार हैं, तो इस क्षेत्र की सियासत को बेहतर अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? चंद्रिका प्रसाद शुक्ल एडवोकेट। क्या लग रहा है इस बार का ये जो कैसरगंज का क्षेत्र का चुनाव है ये किस लिए बहुत ज्यादा रोचक हो चला है, आप क्या मानते हैं इसको? अब ये चुनाव जो है वो थोड़ा टफ हो गया है क्योंकि भगत राम मिश्रा जी भी अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता लांबी इस समय जो है भगत राम मिश्रा जी का सपोर्ट कर रही है, वो चाहे जिस दल का कार्यकर्ता रहा हो। मैं भी 42 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं, लेकिन अब चूंकि हमको अब लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी वन मैन पार्टी बनकर रह गई है, अब इसमें तानाशाही हावी है। ना मुरली मनोहर जोशी जी का कोई सम्मान किया जा रहा है, ना लालकृष्ण आडवाणी जी का सम्मान किया जा रहा है। सन 80 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पार्टी का गठन किया था जनसंघ को तोड़कर, तो इसलिए मतलब उसके बाद जो है सन 84 का जब चुनाव हुआ, 85 का जब चुनाव हुआ, तो दो सीटें हमारी जो है आई थी मतलब पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं ऐसा नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही वाली प्रवृत्ति का मैं विरोधी हूँ। ये तो तानाशाही क्या इसी बार है जब भगत राम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले तानाशाही नहीं थी? नहीं, इससे पहले भी तानाशाही थी। जैसे एक बैग नोटबंदी करना, नोटबंदी करने के बाद में उसका दुष्परिणाम सामने आया। इस प्रकार से ऐसे निर्णय लिए गए जिससे जो है मतलब विदेशों में तो हमारा वर्चस्व बढ़ा, हमारा विदेशों में हमारा स्थान काफ़ी ऊंचा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, जो छुट्टा गायों की जानवरों की समस्या है और जो है वो
मतलब विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं। हमारे सांसद जी जो 5 बार से जो है वो सांसद रहे हैं, वो बता दें कि जो उनको वो मिलता है, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए जो निधि मिलती है, उस निधि में से कितना पैसा उन्होंने विकास कार्य में खर्च किया होगा। अच्छा, तो अगर आपकी बात शुक्ला जी, अगर हम मान लें कि सांसद जी ने नहीं किया, 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, तो बड़े अंतर से जीते सांसद जी। अगर आपकी ही बात सही है तो फिर इस क्षेत्र की जनता क्यों उनको सपोर्ट करती है? इतनी बड़ी मार्जिन से वो चुनाव जीत गए 2019 में, 27% वोट उनको ज्यादा मिला। नहीं तो 2019 के चुनाव में मैंने भी उनका सपोर्ट किया था, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, सपोर्ट किया था। एक समय ऐसा था कि जो है वो हमारे गांव में एक बैनर लगा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी पार्टियों का प्रवेश निषेध, ये 1989 की बात है। तो इस बार भगतराम मिश्रा सामने है, इसलिए बीजेपी का प्रवेश निषेध? नहीं, बीजेपी का प्रवेश निषेध तो नहीं है भगतराम मिश्रा, मैं ब्राह्मणवाद पे नहीं जा रहा हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ मूल तथ्यों की तरफ हमारा ध्यान गया है और मुझको ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ समय के पश्चात अगर मोदी जी फिर आ गए तो एक तानाशाही का रूप ले लेगी, सत्ता तानाशाही का रूप ले लेगी। लेकिन आप बताइए, आप तो जानकार हैं, जैसा आप बता रहे हैं 42 साल आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, जनसंघ से जुड़े रहे, संघ के कार्यकर्ता हैं, 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, कैसरगंज में तमाम विरोध, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, इसके बाद भी बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर विश्वास किया, उनको टिकट नहीं दिया लेकिन उनके लड़के को टिकट दिया। तो क्या मानते हैं कि इतना बड़ा विश्वास मोदी जी, जिस विश्वास से वो कह रहे हैं 400 पार का नारा, अगर वो 400 पार का नारा है तो कैसरगंज भी उसमें जुड़ा हुआ है जी, तो आप क्या मानते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है, जो सांसद कैसरगंज को जो बड़ी मार्जिन से जीत मिलती रही, कितना अंतर हो जाएगा भगत राम मिश्रा के चुनाव आने से? ब्राह्मण अगर 50% भी अगर मान लिया, आपकी ही बात मान लिया जाए, कट जाएगा, तो क्या इस जो उनकी मार्जिन है 3 लाख के करीब की, वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी? नहीं, मार्जिन का सवाल यहाँ इस बार नहीं है, इस बार सवाल जो है कुछ मुद्दों का है, बेरोजगारी का है, छुट्टा जानवरों की समस्या का है, सिलेंडर जो हमको 400 रुपये में कांग्रेस सरकार में मिलता था, वो सिलेंडर इस समय हमको 1000 रुपये में मिल रहा है। मोदी जी चुनाव आ गया तो उन्होंने 200 रुपये की सब्सिडी दे दी, अगर चुनाव नहीं आया होता तो वो भी नहीं देते। अच्छा अच्छा, एक सवाल बड़ा, दोनों हम कैंडिडेट पर कैसरगंज की अगर ये हॉट सीट है तो उस पर कंपेयर कर लेते हैं, करण भूषण के अंदर क्या आप, उनका पहला चुनाव है, युवा है, जोश है, उनका पहला चुनाव है, अभी उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पिताजी की भले ही उनकी नाराजगी हो लोगों में, लेकिन वो तो नए हैं, उमंग उत्साह जोश और उनके नए इरादे लेकर के आए हैं, बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़े हुए हैं, भगत राम जी में ऐसा क्या है जो करण में नहीं है, और कैसे वो जो एक नया विश्वास है उसको पैदा कर पाएंगे अगर भगत राम मिश्रा को ही इस क्षेत्र की जनता चुनती है? भगत राम मिश्रा जी देखिए अधिवक्ता हैं और 1994 का उनका रजिस्ट्रेशन है, मेरा रजिस्ट्रेशन, मैं 1991 में मैं प्रैक्टिस में आया हूँ, और वो हमसे जूनियर हैं ऐसा नहीं है, लेकिन भगत राम मिश्रा जी के बारे में वो चूंकि हमारे अधिवक्ता समाज को बिलोंग करते हैं, पिछली बार के चुनाव में भी आनंद यादव एडवोकेट जो कैसरगंज से विधायक चुने गए थे, वो अधिवक्ताओं के सपोर्ट के बल पर चुने गए थे। लेकिन अधिवक्ताओं का एक बड़ा तबका हमने अभी जो देखा है वो करण भूषण को भी समर्थन कर रहा है, अभी करण भूषण जी ने पूरा वहां पर भ्रमण किया है तहसील के अंदर, मतलब भर का मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वहां लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था, तो ऐसे तो लग रहा है। आज मैं कचहरी में बैठा हुआ था, वो आए थे, उन्होंने मेरे पैर भी छुए और जीत का आशीर्वाद दिया। मैंने जीत का आशीर्वाद दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, 42 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मैं मोदी जी की नीतियों से असंतुष्ट हूं। मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान को नहीं बख्शा, वसुंधरा राजे सिंधिया को नहीं बख्शा, डॉक्टर रमन सिंह को नहीं बख्शा, 2 महीने के बाद योगी जी की भी शायद छुट्टी हो जाए, और अरविंद केजरीवाल
के ऊपर कौन सा आरोप ऐसा था जो उनको गिरफ्तार करवा लिया, क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी, मोदी जी क्या उससे घबरा गए थे। मतलब इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों के हनन की बात है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, और अगर सरकार अपने ताकत के बल पर उस प्रजातंत्र की व्यवस्था को तहस नहस करने की अगर कोशिश करती है तो ये प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक सिद्ध होता अच्छा है। अच्छा सर, ये बताइए, कैसरगंज लोकसभा बताते हैं ब्राह्मण बाहुल्य है, 22 से 24 फीसदी की आबादी लोग बताते हैं, 4 लाख से अधिक से ज्यादा का मतदाता ब्राह्मण है, तो अयोध्या के किनारे का इलाका, ब्राह्मणों की बड़ी तादाद, भगवान राम में उनकी आस्था के आराध्य हैं ब्राह्मणों के बताते हैं, तो क्या ऐसा तेज है भगत राम में जो दूसरा तबका है बीजेपी मोदी जी की, जिनकी आप मुखालफत कर रहे हैं, मोदी जी राम को बताते हैं हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, तो क्या इतना बड़ा अंतर हो जाएगा भगत राम के आने से कि लोग जो राम को लाने की बात करते हैं उनको इस बार नकार देंगे? देखिए, राम मंदिर की बात अलग है। राम मंदिर का मुकदमा तब भी विचाराधीन था और निर्णय उसका सुप्रीम कोर्ट से हुआ, लेकिन श्रेय तो मोदी जी को मिलता है। अब श्रेय अगर वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मैं श्रेय सिर्फ न्यायालय को दे सकता हूँ, क्योंकि न्यायालय ने आदेश दिया है। आपकी नाराजगी मोदी जी से खासा है, इसलिए मोदी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। सामने देखिए, मोदी जी से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। मैं भी 1987 में राम मंदिर आंदोलन में जेल गया था और मैं 16 दिन जेल में रहा, और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर मैंने काम भी किया है और आज भी मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मुझको लगता है कि इस बार इस चुनाव के बाद, लेकिन आशीर्वाद तो देश पर तानाशाही आने वाली, लेकिन इस आशीर्वाद तो आपने करण भूषण को दिया है जीतने का, वो समर्थन भगत राम को। मैं एक ब्राह्मण हूँ, आशीर्वाद देना मेरा कर्तव्य है, तो मैंने आशीर्वाद तो जरूर दिया है, इसमें दो राय नहीं है। समर्थन और आशीर्वाद में जंग नहीं होगी। मेरा जहां तक अपना अनुमान है, मैं बता रहा हूं आपको, जो 400 का नारा है ये एकदम गलत है। मोदी जी को पिछली बार जो 303 सीटें मिली थी उसमें आप 50 सीट कम से कम माइनस कर दीजिए, और उसके बाद बहुमत से ये लगभग हमारा जो अनुमान है 20 से 25 सीटें इनकी कम पड़ेंगी, जिसमें जो है वो देश के जो कुछ राजनीतिक दल हैं, जैसे नवीन पटनायक जी की बीजू जनता दल है, आंध्र प्रदेश में जो है वो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू। हम पूरे देश पर नहीं जा रहे, हम यूपी पर ही आ रहे हैं, कैसरगंज पर आ रहे हैं, तो कैसरगंज को आप क्या मान रहे हैं? भगतराम मिश्रा इस बार सांसद जी को टक्कर, ना केवल टक्कर देंगे इस बार हराएंगे भी, जो माहौल आप देख रहे हैं, या फिर केवल लड़ाई रह जाएगी? देखिए, इस बारे में अभी मैं कुछ पूरी तरह से नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भगतराम मिश्रा जी को जो ब्राह्मण बाहुल्य ये है लोकसभा क्षेत्र, तो इसमें ब्राह्मणों का 50-60% समर्थन भगतराम मिश्रा जी को है और कुछ हरिजनों का भी समर्थन है। ये चंद्रिका प्रसाद शुक्ला थे, बड़ी बेबाकी से जैसा आप बताते हैं बीजेपी में 42 साल से जुड़े रहे, जनसंघ से जुड़े रहे, बड़ी बेबाकी से बात रखी, मोदी पर सवाल उठाया, जब आज की डेट में कोई भी बीजेपी का समर्थक प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने की जहमत नहीं उठाता, हिम्मत नहीं करता, उनकी प्रशंसा करता है, 400 पार का जो उनका नारा है उससे अपने आप को जोड़ता है, ऐसे में ऐसे लोग भी हैं आज भी जो बीजेपी को समर्थन करने की बात करते हैं लेकिन मोदी को नकारते हैं, तो आपकी ये बात क्या वास्तव में ग्राउंड पर दिखेगी 4 जून में, वो जो आपकी बात है वो रंग भी लाएगी, या ये केवल इनकी अकेली बात रह जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैसरगंज इलाके से राम बरन।